और दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में आज एक अनोखी शादी देखने को मिली है जो पहले कभी नहीं देखी गई कही होगी। अब तक पूरे देश में शेरू स्वीटी की शादी बतौर फिल्म चर्चा में थी, लेकिन गुरुग्राम में हुई शेरू और स्वीटी की शादी सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। ये एक ऐसी शादी है जिसमें शादी की सारी रस्में भी हुई, लेकिन ये रस्में लड़के और लड़की की शादी के लिए नहीं बल्कि डॉग्स की शादी के लिए हुई थी, जिसमें पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी लोग शामिल हुए। जिसे भी सूचना मिली वो शादी में पहुंचा। इस शादी में आम लोगों की तरह शादी की रस्में करने के साथ साथ दहेज भी दिया गया। दहेज में स्वीटी के परिवार वालों ने बकायदा बर्तन से भरा टोकरा और 2100 रुपए शेरू के परिवार वालों के दिए। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से आए मामा और उनके परिवार ने बतौर रस्म रिवाजों के अनुसार भात भी भरा था। बता दें कि गुरुग्राम के न्यू पालम विहार एरिया में एक दंपति ने 3 साल पहले एक फीमेल स्ट्रे डॉग को गोद लिया था। उन्हें बच्चे ना होने के कारण उन्होंने इस फीमेल डॉग को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम स्वीटी रख दिया। जिस वक्त स्वीटी को गोद लिया गया था उसकी टांगें टूटी हुई थी, जिसके बाद दंपत्ति ने उसका इलाज करवाया। इसी तरह एक अन्य दंपत्ति ने भी शेरू को पाला था। दोनों ने मिलकर पिछले दिनों शेरू और स्वीटी की शादी तय कर दी और बारात का दिन 13 नवम्बर तय किया गया और मोहल्ले वालों को निमंत्रण भी दिया गया। इसके लिए बाकायदा कार्ड भी प्रिंट करवाए गए थे। करीब 100 कार्ड लोगों को बांटे गए और बाकी लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर निमंत्रण भेजा गया। नाम बताइए जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रानी जी। रानी जी, कैसे मन में आया कि आपकी बेटी स्वीटी है, उसकी शादी होनी चाहिए, और कैसे आप अपने इसको बेटी मानती हो? इसका मेरा आदमी पूजा पाठ करता बहुत, तो सुबह मंदिर में जाता है तो पार्क चाइना पार्क में उनको बीचों को कुत्ता है तो सब लोग बिस्किट खिलाता है। गाय है, ऐसे बच्चा हो है, छोटी छोटी बच्चा हो है, सब लोग बिस्किट खिलाता है। उसके बाद में ये मेरा पास में ये खाता पहला मंदिर में ही, वहाँ पर से पार्क से 3 साल होगी मेरा पास में आई। जब से मेरा पास में आया हम बहुत प्यार करी। इसका पाव टूटा है, ये लंगड़ा है।